दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग जो है टेंडरिंग से रिलेटेड लगातार इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और फूड से रिलेटेड खासकर, जिसमें कैंटीन और रेलवे स्टेशन पे हो या मान लीजिए पेंट्री कार हो, ऐसे जगह पे जहाँ पे टेंडर निकल रहा है, ऐसे इन्फॉर्मेशन, ताकि मान लीजिए आप लोग सरकारी जगहों पर टेंडर लेके अपना काम चालू कर पाएँ। ये देखिए एक टेंडर है, ओपन ई टेंडर कम ई ऑप्शन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोविजन ऑफ कैटरिंग सर्विस इन जन आहार एट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी आपने देखा होगा कि जन आहार आप जब इंडिया में ट्रेवल करते हैं रेलवे से, तो बड़े बड़े स्टेशनों पे आपने देखा होगा कि जन आहार का जो है वो काउंटर खुला हुआ है और रेस्टोरेंट के तौर पर वो यूज़ हो रहा है। तो उसको सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है, मगर कोई ना कोई कंपनी उसका एजेंसी लेती है और एजेंसी लेके उसको 1 साल के लिए चलाती है या 3 साल के लिए चलाती है, यही होता है। तो ये देखिए साउथ सेंट्रल जोन का ये जो है ये टेंडर है और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर जन आहार का जो केंद्र है उसको चलाने के लिए ये जो नोटिफिकेशन आया है। यानी अगर कोई है जो मान लीजिए पिछला रिकॉर्ड हो पेंट्री कार चलाने का, या मान लीजिए कोई फूड इंडस्ट्री में काम करने का या कैंटीन चलाने का, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन लोगों के पास अपना सारा सेटअप होता है, किचन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, मैन पावर होता है, जो खाना बनाने वाले सफाई वाले सब होते हैं। इसमें बेसिकली खाना बनाने से लेके आपको सफाई कर्मी और सप्लाई करने आदमी तक चाहिए होता है। तो जो पुराना आदमी है जो काम किया हुआ है उसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहता है, तो वो बहुत आसानी से इस चीज़ों को टैकल कर पाता है। नए लोग भी कर सकते हैं, मगर उनको पहले अपना थोड़ा मैन पावर वगैरह देख लेना पड़ेगा। और जहाँ तक कागजी बात है, डॉक्यूमेंटेशन का बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीज़ है, तो इसमें आपको अपना कंपनी चाहिए खुद का, उसके बाद फिर आपको अपना DSC चाहिए होगा, अपना ITR फाइल चाहिए होगा, आपका उद्यम का लाइसेंस चाहिए होगा, करेंट अकाउंट चाहिए होगा, और ये फूड से रिलेटेड चीज़ है तो FSSI का लाइसेंस चाहिए होगा। इतनी सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं और DSC जिसके थ्रू आप ये टेंडर ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट इसमें अपना फीस लेती है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेती है, कभी 50,000 कभी 1 लाख। वो डिपॉजिट तो जब काम ख़त्म हो जाता है तो वापस हो जाता है, प्लस बिडिंग का जो चार्ज होता है वो एक्स्ट्रा होता है। किसी बिडिंग में 2,000 भी लगता है, किसी में 10,000 भी लगता है, किसी में 5,000 भी लगता है, किसी में 500 रुपये भी लगता है, तो वो आपको बिडिंग टू बिडिंग देखना पड़ता है। और ये जो चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप IRCTC के जो वेबसाइट है उस पर भी जाके आप इसका फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है IRCTC LCS 1 AC Z जन आहार 2, यानी ये सब कोड है, जैसे ये साउथ सेंट्रल जोन आता है भुवनेश्वर रेलवे का, इसलिए वो SEZ बोल के लिखा हुआ है। तो आप अगर IRCTC के वेबसाइट में जाइएगा तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, फॉर्म डाउनलोड करके आप लास्ट डेट देख के उसमें फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं और अपना बिडिंग लगा सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें मिल जाए। रहा अगर कोई नया आदमी है जिसको ये आइडिया नहीं है और इसको डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी नहीं है कि क्या क्या पेपर लगता है, तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है, हम लोग इसका एक BTF बना के दे सकते हैं। और अगर वो आदमी हम लोग से काम करवाना चाहता है ये सब लाइसेंस का, तो ये लाइसेंस भी हम लोग पूरे इंडिया में कोई कहीं भी हो बनवा सकते हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या और भी बहुत सारे लाइसेंस पर हम लोग काम करते हैं, जो आप हमारे चैनल के थ्रू जान सकते हैं। लगभग 6,000 से ज़्यादा हमारा वीडियोज़ है मार्केट में, और 20 से 30 लगभग ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसपे हम लोग नंबर 1 है गूगल में और यूट्यूब में भी। तो बिजनेस रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे फूड इंडस्ट्री से हो या इसके अलावा भी हो, तो उस पर भी आपको सारी जानकारी हम लोग दे देंगे। आशा करता हूँ आज की जो जानकारी है आपको, ये जन आहार ओपन करने के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर टेंडर के माध्यम से, ये आपको अच्छी लगेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आप इस टेंडर को भर के अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है, मगर पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद तो होगा। बिना ट्राई किए घर में अगर सोच लीजिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वैसे नहीं होता है। पहले ट्राई कीजिए, फिर ज़रूर एक ना एक धीरे धीरे करके आपको मिलना चालू हो जाएगा काम। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।